हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाईटी स्टेशनरी पर। सो गाइस, आज की वीडियो में हम आप सभी का फेवरेट पेन लेके आए, जिसका नाम है गाइस क्लासमेट ऑक्टेन नियॉन जेल पेन, जिसका गाइस आज हम राइटिंग टेस्ट भी करेंगे, वाटर प्रूफिंग टेस्ट भी करेंगे, एंड गाइस इसके बॉडी के लुक के हिसाब से आपको बताएंगे कि ये बढ़िया है या फिर नहीं है। एंड गाइस फाइनली लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ये पेन किस तरह का लगा। सो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपको फ्यूचर में ऐसी बढ़िया स्टेशनरी की वीडियो इसी तरह देखने को मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे इस पेन के ओवरव्यू प्लस अनबॉक्सिंग से। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी पूरी पैकिंग हमें 10 पेन की देखने मिल जाती है, जिसमें गाइस हमें 5 कलर देखने को मिलते हैं, जो गाइस काफी बढ़िया सी नियॉन कलर हमें देखने मिलती है। एंड गाइस पूरी पैकिंग हमें ट्रांसपेरेंट पैकिंग देखने मिलती है। एंड गाइस यहाँ पे हमें क्लासमेट ऑक्टेन जेल की ब्रांडिंग देखने मिलती है। बैक साइड हमें 10 रुपए एमआरपी पर पीस का देखने मिलता है, 10 पेन का मतलब पूरा 100 रुपीज एमआरपी। अनपैक होने के बाद ये देखिए गाइस हमारे 5 कलर के बॉडी कलर हमें काफी बढ़िया देखने मिलते हैं। एंड गाइस सभी के ऊपर हमारी जो क्लिप के ऊपर हमें देखने मिलते हैं ऑक्टेन जेल की ब्रांडिंग। एंड गाइस ये देखिए पेन के ऊपर भी हमें क्लासमेट ऑक्टेन जेल की ब्रांडिंग देखने मिलती है। एंड गाइस बॉडी की अगर बात करें पूरी की पूरी बॉडी हमें देखने मिलती है मैट कलर में। यहाँ पे हमारी कुछ लाइंस देखने मिलती है जो गाइस इसके लुक बनाती है। एंड गाइस डिजाइन में काफी बढ़िया देखने मिल जाते हैं। एंड गाइस बॉडी काफी हाई क्वालिटी में बॉडी हमें देखने मिल जाती है। एंड गाइस ये देखिए गाइस 0.7 mm की निब में हमें ये पेन देखने मिल जाता है। एंड गाइस ग्रिपिंग सेक्शन की बात करें तो गाइस ये देखिए गाइस रबराइज ग्रिप हमें देखने मिल जाती है, जो गाइस काफी ज्यादा बढ़िया है। रबराइज ग्रिप होने के कारण ये पेन होल्ड करना भी काफी बढ़िया रहेगा। एंड गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ये पेन यूज करें तो गाइस काफी ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इसका रिफिल तो एक मिलता नहीं, बस रिफिल मिल जाते हैं ना, तो गाइस ज्यादा बेस्ट होता है। एंड गाइस अगर ओपन करें तो गाइस रिफिल भी देख लेते हैं किस तरह के देखने मिलते हैं। तो गाइस ये देखिए जंबो साइज का रिफिल हमें देखने मिलता है 10 रुपए एमआरपी। तो गाइस आप पूरा इसका लुक देख सकते हैं, कुछ इस तरह का हमें देखने मिल जाता है। बैक साइड की लाइनिंग देखने मिलती है। एंड गाइस ये सेंटर में हमें जो गाइस लाइन देखने को मिलती है ना, ये बॉडी का डिजाइन ये मुझे काफी ज्यादा बेस्ट है। एंड गाइस काफी प्रोफेशनल सा लुक हमें देखने को मिल जाता है। एंड गाइस काफी बढ़िया लुक में हमें पेन देखने को मिल जाता है। तो गाइस अब हम सबसे पहले कर लेते हैं इसका राइटिंग टेस्ट एंड गाइस वाटर प्रूफिंग टेस्ट, जिससे हमें पता चलेगा ये पेन वाटर प्रूफ है या फिर नहीं है। एंड गाइस राइटिंग में ये पेन किस तरह का चलता है। तो गाइस अब हम यहाँ पे लिखते हैं, ये देखिए गाइस क्लासमेट ऑक्टेन जेल पेन का नाम ही लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं क्लासमेट ऑक्टेन जेल पेन। तो गाइस लाइनिंग भी काफी बढ़िया हमें देखने मिलती है। एंड गाइस राइटिंग भी काफी बढ़िया हमें देखने मिल जाती है। इंक की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, इंक की क्वालिटी वैसे तो बढ़िया पर थोड़ी सी हमें डार्क इंक देखने मिलती है, जैसे उनोमैक्स के पेन थे उसकी लाइटिंग देखने मिलती है, जो गाइस काफी बढ़िया लगी थी ना, पर ये थोड़ी सी हमें डार्क देखने मिलती है। बाकी चलने में कोई दिक्कत नहीं हमें देखने मिलती। एंड गाइस ग्रिपिंग सेक्शन की मैंने आपको कहा था ना, काफी बढ़िया ग्रिप देखने वाला है ये रबराइज ग्रिप। तो गाइस ये काफी बढ़िया ग्रिप में हमें ये पेन देखने को मिल जाता है। तो गाइस अब हम करते हैं इसका वाटर प्रूफिंग टेस्ट। तो गाइस वाटर प्रूफिंग टेस्ट से पहले हम कर लेते हैं इसका स्मज टेस्ट। तो गाइस ये देखिए गाइस नियॉन पेन, तो गाइस ये पेन स्मज की बात करें ना, तो गाइस ये पेन स्मज तो होता ही है, थोड़ा सा मतलब कम होता है पर स्मज होता है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे हम इसके ऊपर पानी डालते हैं। तो गाइस ये देखिए पानी डालने के बाद वाटर प्रूफ इंक की बात करें तो गाइस वाटर प्रूफ इंक है, क्योंकि ये देखिए इस पानी बिल्कुल भी मतलब इंक फैली नहीं पानी डालने के बाद भी। तो गाइस ये देखिए गाइस ये पेन हमें वाटर प्रूफ में हमें ये पेन देखने को मिल जाता है। तो गाइस आपने राइटिंग टेस्ट भी हमारा देख लिया, एंड गाइस वाटर प्रूफिंग टेस्ट भी आपने देख ली, जिसमें हमारा पेन ये बिल्कुल पास हो चुका है। एंड गाइस थोड़ी बात करेगा स्मज की, तो गाइस थोड़ा सा पेन स्मज होता है, मतलब पेपर इतनी जल्दी इंक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो गाइस वाटर प्रूफिंग टेस्ट में तो पास है पर स्मज होता है। एंड गाइस राइटिंग टेस्ट की बात करें तो गाइस राइटिंग काफी बढ़िया हमें प्रोवाइड कर देता है हमारा ये क्लासमेट का ऑक्टेन नियॉन जेल पेन। एंड गाइस अगर बात करें इसकी इंक की, तो इंक थोड़ी सी हमें डार्क देखने मिलती है पर कोई ज्यादा मैटर नहीं करता, वैसे पेन बढ़िया चलता है। एंड गाइस इंक की क्वालिटी भी बेस्ट हमें देखने मिल जाती है। एंड गाइस अगर आप कोई लंबे समय तक चलाने वाला पेन चाहते हैं तो गाइस ये ऑक्टेन जेल पेन आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहेगा। एंड गाइस इसमें काफी बढ़िया से कलर ऑप्शन भी आपको देखने मिलते हैं, जो गाइस मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगे। एंड गाइस मैं अगर बात करूं तो गाइस मुझे ये पैरेट ग्रीन एंड गाइस ऑरेंज कलर मुझे काफी ज्यादा बेस्ट लगा। एंड गाइस आप भी मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको इन सभी कलर्स में से कौन सा कलर ज्यादा बेस्ट लगता है। फाइनली मुझे तो ये पेन काफी ज्यादा बेस्ट लगा, हर तरीके से, वाटर प्रूफिंग से भी, एंड गाइस राइटिंग से भी, एंड गाइस ग्रिपिंग के मामले में तो काफी ज्यादा बढ़िया पेन हमें देखने को मिल जाता है। एंड गाइस मैट कलर की बॉडी होने के कारण काफी ज्यादा बेस्ट मुझे लगा। सो गाइस आप भी मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको ये पेन किस तरह का लगता है। एंड गाइस आज की वीडियो किस तरह की लगी। सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कॉमेंट शेयर सब कुछ कर देना, और भी ऐसी स्टेशन रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके पास में दी गए बेल आइकन की जरूर प्रेस करना और अलाव पे सेट कर देना। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।